ओके तो गाइज, मैं हूँ मनोज और आप सभी को नमस्ते। मैं पहुँच चुका हूँ एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पे, जो कि जानी पहचानी लोकेशन है। बट हाँ, अभी का मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है, तो हाँ अभी बहुत नेक्स्ट लेवल का मज़ा यहाँ पे मिलने वाला है हमको और आप लोग को वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग बने रहना लास्ट तक भैया। ओके तो गाइज, ये रहा लोकेशन। ये लोकेशन पर मैं आ जा रखा हूँ एंड यहाँ पे आज होने वाला है ये ब्लॉक। आधा यहाँ पे होगा, आधा भगत और बीच पे होगा। ये चेक करो, बुलडॉग बुलडॉग भी यहाँ पे आ रखा है, देख सकते हैं। थोड़ा सा ब्लैक ब्राउन कलर का है और नज़ारा काफ़ी ज़बरदस्त है भाई साहब, देख रहे हो। हल्का फुल्का क्राउड है, क्राउड से ज़्यादा यहाँ पे हवाओं का शोर है। हवाएँ काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है, बहुत ही खतरनाक वाली विंड है, तेज विंड चल रही है। और रास्ता देख सकते हैं आप, उबड़ खाबड़ और थोड़ा बहुत कचड़ा वाला है। और यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं आप, भाई साहब सामने में बारिश भी होने लगी है, देख रहे हैं, इंजॉय हो रहा है भाई साहब। और यहाँ से दिखता भैया ये वाला टापू, जो कि दिल चाहता वाला है, चौपरा फोर्ट। बाद में अपन यहाँ पे आ रखे हैं हिलटॉप गोवा पे। ये भी सेकंड हिलटॉप गोवा है दोस्तों, इससे पहले मैं और एक हिलटॉप गोवा पे गया था। देख सकते हैं नज़ारा, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी शाम का समय है दोस्तों, 5 बज रहे हैं और यहाँ पे चेक करो, पूरा मटमैल पानी आ रखा है। और उसके बाद पीछे यहाँ पे बारिश गिर रही है, वहाँ पे बिल्कुल क्लीन है, क्रिस्टल क्लीन पानी है। ये चेक करो, बच्चे लोग यहाँ पे गाय के साथ खेल रहे हैं, गाय के साथ मजे ले रहे, देखो बाप और बेटी मिलके। बाकी ऊपर थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट क्या है, ये क्या बोलते हैं, रेडी वगैरह है, आइसक्रीम वगैरह की। और यहाँ पे आजकल थोड़ा फैसिलिटी बढ़ गई है और यहाँ पे भैया लग चुके हैं बेंच, 2-3 बेंच जो कि नए लगे हैं अभी, 3 बेंच। इससे पहले खाली पत्थरों में लोग बैठते थे, पत्थरों में बैठ के एंजॉय करते थे लोग। अभी हाँ अच्छा हो गया, यहाँ पे बेंच में बैठ के लोग एंजॉय करते हैं। और एक लोकेशन और यहाँ से देखने को मिलेगी हमको, जो कि है ओरजरन बीच की। तो चलिए दिखा देते हैं। नहीं नहीं, चार बेंच लगे अभी नए, इससे पहले कुछ नहीं था ऐसा फैसिलिटी यहाँ पर। और यहाँ पर चेक करो ये लोकेशन, थोड़ा आगे जाके हम आपको दिखाते हैं पूरा। ये रहा सामने में ओजरण बीच, जो कि बिल्कुल खाली है अभी, थोड़ा बहुत यहाँ पे अचल पल। बाद में लोकेशन देख लो, काफ़ी ज़बरदस्त है, देख सकते हो। और बारिश होने वाली है दोस्तों, अभी देख रहे सामने में बारिश गिर रही है। ये गाय को चेक करो गाय, मक्का खाने के लिए आ रही है गाय, लोगों को परेशान कर रही है, मतलब मक्का खाने के लिए, देख सकते हो। माहौल काफ़ी प्यारा माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको, छोटे बच्चे लोग भी काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे। और चेयर में कोई जगह नहीं बची है, देखो बच्चा लोग कैसे खेल रहे हैं बब्बल के साथ। और ये है सामने में दोस्तों, ये चेक करो, बब्बल उड़ाए जा रहे हैं, मेरे को बैठने के लिए जगह। ये चेक करो, गाय ने परेशान कर दिया यहाँ पे गाय को, भाई का मजा यहाँ पे रोमांस खराब कर दिया, मतलब देख रहे अब पढ़ने वाली है भाई को, गाय को बहुत जिद्दी गाय है। और इसके अलावा यहाँ पे चेक करो माहौल, गाय के मजे हो गए, गाय यहाँ पे बिस्किट मिल गया अभी तक ये परेशान कर रहा था वो कपल को, फाइनली इसको मिल चुका है बिस्किट। ये महिला ने यहाँ पे बिस्किट खिलाया इसको, पार्ले जी, तो ये उसी के पीछे जा रहा है फिर से, पर मक्के वालों को नहीं छोड़ने वाला है आज। एक से भले दो गाय, दूसरी और एक गाय आ चुकी है यहाँ पे, देखो परेशान करने के लिए, कपल को परेशान करने के लिए कौवा भी आ रहे हैं भाई साहब, क्या सीन है। ये लोगों ने क्या पाप किया मालूम नहीं, कौन सा पाप करके ये लोग गोवा में आए मालूम नहीं दोस्तों। तो हाँ यहाँ पे
मतलब यहाँ पे उथल पुथल हो चुके हैं, देख सकते हैं बादल, अभी बारिश होने वाली है, इसलिए सारा गल्ला खाली हो गया, अभी भाग रहे हैं सभी लोग। मुझे लगता है मेरे को भी भागना पड़ेगा जल्दी से जल्द भाई साहब।